लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। अब विभिन्न पार्टियों अपने हार और जीत का अंक गणित लगाने में जुड़ गई है। इस बीच हम पड़ताल कर रहे हैं झारखंड के चुनावी हार जीत के कारणों का। झारखंड में बीजेपी को 5 आदिवासी सीट से हार का सामना करना पड़ा। आदिवासियों ने भाजपा को एक सिरे से झारखंड में नकार दिया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? सवाल उठता है कि आखिर क्यों बीजेपी 5 आदिवासी आरक्षित सीट में चुनाव बुरी तरह से हार गई? इसके प्रमुख 5 कारण हैं। पहले हम बात करेंगे उन 5 सीटों का जहां से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। पहला सीट है लोहरदगा, जहां कांग्रेस के सुखदेव भगत प्रचंड वोट से चुनाव जीत गए। दूसरा सीट है खूंटी, जहां कदावर नेता अर्जुन मुंडा को मुंह की खानी पड़ी। कालीचरण मुंडा ने उन्हें जबरदस्त वोट से हरा दिया। तीसरा सीट है दुमका, जहां से झामुमो के नलीन सोरेन ने सीता सोरेन को जबरदस्त तरीके से हरा कर जीत हासिल की। चौथा सीट है राजमहल, जहां विजय हाजदा ने जीत हासिल की। और पांचवा सीट है सिंहभूम, जहां जोभा मांझी ने जीत दर्ज की। इन 5 सीटों में भाजपा ने कलावर नेता को टिकट दिया था, लेकिन 5 के 5 हार गए। झारखंड के 5 आदिवासी सीटों पर भाजपा के हारने के 5 कारण हैं। पहला कारण, आदिवासियों को ऐसा लगा कि भाजपा संविधान बदल देगी। दूसरा कारण, यहाँ के आदिवासियों को लगा कि उनका आरक्षण भाजपा समाप्त कर देगी। तीसरा कारण, मणिपुर में जो हिंसा फैली, जो दंगा हुआ, उस पर भाजपा की चुप्पी भी इसे महंगा पड़ा। चौथा कारण, सरनाकोट। यहाँ के आदिवासियों का मानना है कि सरनाकोट का कॉलम को आखिर भाजपा ने क्यों बंद कर दिया। इसका भी नतीजा भाजपा को झारखंड में भुगतना पड़ा। भाजपा सरनाकोट पर कोई सफाई नहीं दे पाई, जबकि राहुल गांधी गुमला दौरे के क्रम में यह स्पष्ट कर चुके थे कि उनकी सरकार बनती है तो सरनाकोट दिया जाएगा। और पांचवा कारण, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना। झारखंड के आदिवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि भाजपा ने पूर्व ग्रह से ग्रसित होकर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। इसका आक्रोश आदिवासियों के बीच काफी पनपा और आदिवासियों ने भाजपा की ओर मुंह मोड़ लिया। भाजपा के लिए यही 5 कारण बैंक फायर सिद्ध हुआ और झारखंड में 5 एसटी सीट से भाजपा का सफाया हो गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।